Yes, good evening guys to all of you. I welcome you all on this wonderful platform that is Byju's Exam Prep. Guys, today's session is related to theory of machines. So today's session is related to theory of machines, and as the name of the series is quick revision series. So in this series, hum kya karne wale hai? We are going to revise the theory, the concepts, but in a very fast manner. This type of session and this series are helpful for those students who have already done the preparation. They just want a quick revision. Like aaj ka jo topic hai, wo hai simple mechanism and their analysis. To jo simple mechanism and their analysis hai, like whenever we are going in the class, it take 18 to 20 hours. So the same content we are going to revise in 1 hour, 10 minutes. Good evening, Amir, Jabir. Yes, the session is started. Okay, Kalyan, don't worry, English may be easy. We will come with such series in English as well, so don't worry about that. Yes, Shivam, sound is not proper. Yes, please let me check. Yes, sound is okay or not? Hello? Tell me guys, sound is proper or not? Yes. Okay, so I feel Shivam, just refresh it. Good evening, Anu. Fine guys, so we are starting the session guys here. Okay, so guys, before starting the session, this is some detail about me. I'm having around 10 plus years of experience, and today's subject is, aaj ka subject kya hai? Theory of machines. So my dear, ek naya surprise aap sabhi logo ke liye. From 28th of November, Monday to Friday, rose, आपके लिए एक डेली डोज होगा, क्योंकि एग्जाम पास है उसको देखते हुए हम ये डेली डोज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें या तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये 5 से 10 मिनट के डेली डोज आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले. तो इनके डेली डोज के लिए आप अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कृपया जल्दी करिए. ग्रेट. सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे. और आपका समय वेस्ट किए बिना एक आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप गेट प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, स्कॉलरशिप चाहते हैं, या गेट प्रिपरेशन के लिए ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर अपनी प्रिपरेशन के लिए वर्कशॉप के लिए देख रहे हैं, इन तीनों चीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक अवेलेबल है. दे विल आर फॉर फ्री अवेलेबल. ओके, तो माय डियर, अब हम शुरू कर रहे हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल मैकेनिज्म एंड इट्स एनालिसिस. तो माय डियर, थ्योरी ऑफ मशीन्स में मैं जो ये आपकी क्लासेस ले रहा हूं, इसमें टॉपिक कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लाइक अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो एवरी ईयर 1 question for 2 marks आता ही आता है. ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को हम रिवाइज करने जा रहे हैं. इज इट क्लियर? आमिर, उसका रीजन है क्योंकि आपको इंग्लिश में सुनने की आदत हो गई है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो माय डियर, द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट. व्हाट इज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट? सो माय डियर, व्हेनेवर वी हैव अ मशीन, वी हैव मेनी पार्ट्स. लाइक अगर आप लेथ मशीन को देखें तो लेथ बेड होता है, चक होता है, कटिंग टूल होता है. तो ये सभी जो पार्ट है एक मशीन के, इन सभी पार्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पार्ट, एनी इंडिविजुअल पार्ट विच इज हैविंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट इज सेड टू बी काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट. और आप जानते हैं काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बॉडी रिजिड हो, बट वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए. अब आप जानते हो रिजिड का मतलब क्या है. रिजिड बॉडीज वो जो डिफॉर्म नहीं करती फोर्स लगाने पर. तो माय डियर, ऐसा हो सकता है कि वो सारे एलिमेंट जो लेथ में है या एक आईसी इंजन में है वो डिफॉर्म होते हो फोर्स लगने पर. बट माय डियर, दे मे और मे नॉट बी रिजिड, बट दे मस्ट बी रेजिस्टेंट. अब रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? रेजिस्टेंट का मतलब है कि अगर आप उसमें किसी एक पार्ट को मोशन दो तो उस मोशन को ट्रांसफर कर दे. तो रिजिड का मतलब डिफॉर्मेशन जीरो, और रेजिस्टेंट का मतलब डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस का मतलब मोशन को ट्रांसफर करना या फिर किसी भी तरह के मोशन को रेजिस्ट करना, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए. वेरी वेरी गुड जॉब. सो गाइस, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी.
तो किसी काइनामेटिक लिंक का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रिजिड होना जरूरी नहीं है। तो माय डियर, तीन तरह के लिंक होते हैं, एक रिजिड, एक फ्लेक्सिबल और एक फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक उनको बोलते हैं जिसमें डिफॉर्मेशन या तो जीरो हो या तो नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल ऑफ रिजिड लिंक होता है क्रैंक, एग्जाम्पल ऑफ रिजिड लिंक होता है कनेक्टिंग रोड, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल और हो सकता है क्या, आफ्टर कनेक्टिंग रोड इट कैन बी पिस्टन, इट कैन बी सिलेंडर, समझ पा रहे। तो ये सब एग्जाम्पल है रिजिड लिंक के। फ्लेक्सिबल लिंक वो लिंक होते हैं जिसमें डिफॉर्मेशन हो पर परमिसिबल रेंज के अंदर हो, ऐसा नहीं कितना भी फैल रहा हो पर लिमिटेड रेंज के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल होगा रोप ड्राइव, ओके, बेल्ट ड्राइव, ओके, चेन ड्राइव। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं फ्लूइड लिंक। तो माय डियर, जैसा आप जानते हैं लिंक का क्या होना जरूरी है, रेजिस्टेंट, मतलब वो मोशन को ट्रांसमिट कर पाए, ये चाहिए बस। तो कभी कभी फ्लूइड अपनी प्रॉपर्टी प्रेशर के कारण मोशन को ट्रांसमिट कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में फ्लूइड एक लिंक की तरह काम करता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक रैक, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। यस सचिदानंद, गुड इवनिंग डियर, यस वेरी गुड, हाइड्रोलिक प्रेस आमिर, वेरी गुड। सो गाइस, दीज आर द ऑप्शन एंड दिस इज द एग्जाम्पल। लाइक मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने छठी क्लास में पहली बार आपको बहुत खुशी हुई थी जब आपने ये देखा था कि यहां पर अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो यहां पर गाड़ी उठ जाएगी, और उसका कारण क्या था, प्रेशर, क्योंकि जो प्रेशर इस साइड पे वही प्रेशर इस साइड पे। तो अगर यहाँ पे मैं एरिया बढ़ा दू तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो आमिर, अभी तक आपने हिंदी में पढ़ा नहीं है इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा, ठीक है, पढ़ के देखो, कंटेंट वही है चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन की। तो अभी आपने देखा कि किसी भी मशीन में जो लिंक होते हैं, लिंक के लिए रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन तीन तरह के होते हैं, पहला होता है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, दूसरा होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, तीसरा होता है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट या अनकंस्ट्रेंट मोशन। तो माय डियर, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड मोशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब अगर आपका इच्छा है कि आप गेट में फर्स्ट रैंक लाओ, टॉप 10 रैंक लाओ, तो ये आपकी डिजायर है, इच्छा। इसको पूरा करने के लिए आपको बाकी सारी इच्छाएं मारनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन सी इच्छाएं आपको मारनी पड़ेंगी, आपको टीवी देख के टाइम खराब नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया पे टाइम खराब नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे टाइम खराब नहीं करना है, आपको इधर उधर शादी पार्टियों में घूमकर टाइम खराब नहीं करना है, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट मूवीज उन सब में टाइम खराब नहीं करना है। तो आपने बाकी सारी इच्छाओं को रोक दिया एक इच्छा को पूरा करने के लिए। तो माय डियर, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है डिजायर्ड मोशन, और एक डिजायर को पूरा करने के लिए बाकी सब डिजायर को कंस्ट्रेंट करना पड़ता है। तो माय डियर, अब अगर ये कंस्ट्रेंट आपके अंदर से आए, मतलब आपका सिस्टम ही इस तरीके का है कि आपने ठान लिया फर्स्ट रैंक लानी है, तो आप खुद ही पढ़ाई के सिवा कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब आपको कहना नहीं पड़ रहा किसी को कि तुम पढ़ लो। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट वो होता है जहां सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ और अलाउ ना करे, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक ही मोशन अलाउ करे, बाकी कोई मोशन पॉसिबल ही ना हो, तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि और मोशन पॉसिबल तो है पर हम जबरदस्ती उनको रोक देंगे। जैसे अब मान लो आपका मन तो कर रहा है क्रिकेट खेल के लाओ, पर आपकी मम्मी बैठी हुई, आपके पापा बैठे, वो जाने नहीं दे रहे, तो बाहर का फोर्स आपको बाहर जाने से रोक रहा है, जबरदस्ती आप पढ़ रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते मन लग गया तो आप कहीं ना कहीं निकल गए, कहीं ना कहीं पहुंच गए अच्छी जगह। तो ये हो जाएगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इनकम्प्लीटली मतलब कुछ भी कर लो हम नहीं करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे। अब पापा वही खड़े हुए हैं, मम्मी वही खड़ी हुई है कि कहीं नहीं जाने देंगे, किताब आपने खोली हुई है पर ध्यान आपका कहीं हो रहा है, तो इस बार सारे मोशन रिस्ट्रिक्ट करके भी आप डिजायर मोशन नहीं ले पाएंगे। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो सभी लोगों को क्लियर हो गए तीनों तरह के मोशन। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब मान लो मेरे पास ये एक होलो ट्यूब है, पर इसका जो होल है वो स्क्वेयर सेक्शन का है। अब माय डियर, एक स्क्वेयर सेक्शन के अंदर अब अगर आप स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन का शाफ्ट डालोगे, मान लो ये स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन का शाफ्ट है, या फिर इसकी जगह मैं आपको ये मोबाइल पे लेता हूं, ये रेक्टेंगुलर है, तो मान लो ये रेक्टेंगुलर होल में है, तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकता है, रोटेट कर ही नहीं सकता। तो माय डियर, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक ही मोशन होने दे रही है, वो है ट्रांसलेशन।
तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलाउ ही नहीं करती। अब यहां पर हमारे पास सर्कुलर शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट ऐसे घूम भी सकता है, रोटेट भी कर सकता है और रेसिप्रोकेट भी कर सकता है, पर इसके रेसिप्रोकेशन को रोकने के लिए मैंने इस पे एक कोलर लगाया, दूसरा कोलर लगाया और इसको कोलर्स को फिक्स कर दिया। अब माय डियर सिवाय रोटेशन की और कुछ भी नहीं कर सकता, समझ पा रहे? तो जबरदस्ती की सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। मान लो आपके पास एक शाफ्ट है और ये बियरिंग के अंदर है, शाफ्ट जब बियरिंग में होता है तो दो मोशन हो सकते हैं, रोटेशन रेसिप्रोकेशन। आपने ऊपर से फोर्स लगा दिया कि रेसिप्रोकेशन नहीं होने देंगे तो अब होगा सिर्फ रोटेशन। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम बोलेंगे, इस एग्जाम्पल के लिए हम बोलेंगे क्या, इट इज द केस ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंड और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड। तो माय डियर अब यहां पर आप बात कर रहे हैं, अगर हम कोलर लगा रहे हैं तो कोलर तो सिस्टम का ही हिस्सा है, तो सिस्टम का हिस्सा होने के कारण दिस इज नॉट द एक्सटर्नल फोर्स, इट वुड कम अंडर द कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। बट अगर आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये बाहर का फोर्स रोक रहा है, इट वुड बी कमिंग अंडर द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। सो माय डियर दिस इज नथिंग बट फुट स्टेप बियरिंग। ओके, तो फुट स्टेप बियरिंग विल बी कमिंग अंडर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड एंड दिस विल बी कमिंग अंडर कंप्लीटली कंस्ट्रेंड। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस कल्याण, वेरी गुड। तो मूविंग फर्दर गाइस, सो यू कैन सी वन मोर एग्जांपल फॉर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। माय डियर इफ यू हैव सिलेंडर एंड पिस्टन, सो इन सिलेंडर पिस्टन कैन रोटेट बिकॉज पिस्टन इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, इट कैन ऑल्सो रेसिप्रोकेट। सो इन अ सिलेंडर पिस्टन कैन रोटेट एंड रेसिप्रोकेट बोथ। बट माय डियर इफ यू आर कनेक्टिंग इट विद कनेक्टिंग रोड, then because of this connecting rod now rotation will be restricted, now only reciprocation can happen, so this will become constrained because of connecting rod, because connecting rod is external part, so it is successfully constrained motion. Very good Javed, so this is also one example, that is foot step bearing, I have already shown to you. Then this is incompletely constrained or unconstrained motion. If whatever we do, motion is unconstrained, means you have a circular shaft in circular hole, so this time it can rotate, it can reciprocate both, so this type of motion is said to be unconstrained motion. So my dear, when we are talking about theory of machines, everybody know what is the application of theory of machine. We study theory of machines because it gives us the mechanism. बट वाई वी रिक्वायर मैकेनिज्म, हमको मैकेनिज्म चाहिए क्यों है, क्योंकि जो प्रोडक्शन में हम मशीन पढ़ते हैं, चाहे वो लेथ हो, ड्रिलिंग हो, मिलिंग हो, कोई भी मशीन हो, उसमें कटिंग टूल को वर्क पीस में कट करने के लिए मोशन करना होता है, और वो मोशन जो मिलता है उसको वो मैकेनिज्म से मिलता है, और मैकेनिज्म हम थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर बना के देते हैं। मतलब टोम की जो जरूरत है वो असली में प्रोडक्शन के अंदर है, तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में हम जो मैकेनिज्म बना के देंगे वो प्रोडक्शन में यूज होगा। तो माय डियर जब आप कोई कटिंग करोगे तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि कटिंग टूल उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में आप कटिंग करना चाहते हो? क्या आप ये नहीं चाहोगे आपको कटिंग टूल की वेलोसिटी पता हो? क्या आप ये नहीं चाहोगे कि आपको कटिंग टूल का एक्सेलरेशन पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो? बिल्कुल चाहोगे। तो माय डियर इसीलिए, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके कंट्रोल में हो चीजें, हमें चाहिए कंस्ट्रेंड मोशन। अब वो कंप्लीटली हो, सक्सेसफुली हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको चाहिए कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन पूरी टोम के अंदर, हमें अनकंस्ट्रेंड मोशन फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके सर क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल आमिर, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल। फर्स्ट चैप्टर वुड बी कंप्लीटली रिवाइज्ड, ओके, एंड वन क्वेश्चन इज कमिंग एवरी ईयर। ओके, सो आई फील आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल नाउ टू ऑल ऑफ यू। यस, okay, let us move further. So guys, now we will talk about kinematic pair. अब हम kinematic pair की बात करेंगे। अब तक हम बात कर रहे थे link की, type of link की। तो my dear, अगर दो link आपस में जोड़ दिए जाए तो उसको pair बोलते हैं। अगर कोई भी दो link आपस में जोड़ दिए जाए तो उसको pair बोलते हैं। और अगर उन दो links के बीच का relative motion constrained motion हो, अब चाहे वो completely हो, successfully हो, दोनों में से कैसा भी कंस्ट्रेंट मोशन हो, तो माय डियर ऐसे केस में उसको बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर।
तो काइनामेटिक वर्ड लगाने के लिए मोशन का कंस्ट्रेंट होना जरूरी है। तो माय डियर, हर काइनामेटिक पेयर एक पेयर होगा, पर हर पेयर एक काइनामेटिक पेयर नहीं होगा। मुझे लगता है आप एक चीज फील कर पा रहे हैं कि जो जो चीज आपने पढ़ी है वो सब आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, इसी को शायद रिविजन बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि आप सुन रहे हो तो सुनना हमेशा ज्यादा बेनिफिट करता है राधर देन पढ़ने से, अगर बात रिविजन की हो तो। सो माय डियर, अब हम क्लासिफाई करेंगे काइनामेटिक पेयर्स को। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होने वाला है रिलेटिव मोशन के आधार पे। उसमें आता है टर्निंग पेयर, रिवोल्यूट पेयर या पिन ज्वाइंट। टर्निंग पेयर, रिवोल्यूट पेयर, रोटरी ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट, ये सब एक ही के नाम है। और इसका एग्जाम्पल है ये, इस तरीके से अगर दो लिंक जुड़े हो, मतलब जैसे क्रैंक और कनेक्टिंग रोड जुड़े हो, जैसे पिस्टन और कनेक्टिंग रोड जुड़े हो, ये भी टर्निंग पेयर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दोनों टर्निंग पेयर। दूसरा है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर का मतलब, अगर रिलेटिव मोशन, ध्यान से देखना, टर्निंग पेयर का मतलब होता है रिलेटिव मोशन होना चाहिए प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। इसी तरीके से स्लाइडिंग पेयर का मतलब है रिलेटिव मोशन होना चाहिए प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन। तो माय डियर, अगर आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है, तो ये पिस्टन ऐसे स्लाइड कर रही है, तो इसको बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर। सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कैसा पेयर है? स्लाइडिंग पेयर। बढ़ रहे आगे, रोलिंग पेयर। तो माय डियर, अगर दो लिंक के बीच का मोशन प्योर रोलिंग है, अगर दो लिंक के बीच का मोशन प्योर रोलिंग है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? रोलिंग पेयर। और शायद आप जानते हैं कि जो प्योर रोलिंग मोशन होता है, जो प्योर रोलिंग मोशन होता है, वो एक कॉम्बिनेशन होता है प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन का। और क्योंकि ये रिवीजन है, तो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इस तरह की वेलोसिटी प्रोफाइल हमको प्योर रोलिंग में मिलती है, और प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। इज इट क्लियर? ऐसे ही करेंगे रिवीजन, फास्ट ही जा रहे, क्योंकि नहीं तो पढ़ाना ही हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैं ये, कुछ लोगों को डाउट होता है, सर रोलिंग पेयर में तो दो मोशन हो गए, तो आप तो कह रहे थे एक ही होना चाहिए। तो माय डियर, दो मोशन जरूर है, पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी रोटेशन वाली, जिसको आप आर इंटू ओमेगा बोलते हो, वो बराबर होनी चाहिए ट्रांसलेशन वेलोसिटी के। क्योंकि अगर ये बराबर नहीं है तो मोशन प्योर रोलिंग नहीं है। तो ये कहने को दो मोशन है, पर ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो इंडिपेंडेंटली ये एक ही मोशन है। हाँ भाई, जाबिर आमिर, समझ पा रहे हैं आप लोग? सर इससे फास्ट भी जा सकता बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर दैट। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू चेक, मैं वही चेक करना चाह रहा था आप रेडी है कि नहीं। नेक्स्ट पेयर है स्क्रू पेयर। तो माय डियर, नट बोल्ट का कनेक्शन आपने देखा होगा, बोल्ट के ऊपर नट आप ऐसे जब चलाते हो, तो वहां पर भी जब आप चलाते हो तो एक रोटेशन में वो एक पिच जितना डिस्टेंस आगे जाता है। तो माय डियर, जब वहां पर भी दो मोशन है, पर वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक रोटेशन बराबर वन पिच, इसीलिए वो भी एक काइनामेटिक पेयर है। और स्क्रू पेयर का एग्जांपल होता है नट एंड बोल्ट। अब माय डियर, आपको समझना है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, अगर आप अपने हाथ की बात करें तो ये वाला पेयर है टर्निंग पेयर। अगर आप इस वाले पेयर की बात करो, ये है स्फेरिकल पेयर। ठीक है, आप इसमें थ्री डायमेंशन में रोटेशन कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल पेयर। तो माय डियर, इसका एक एग्जांपल ये भी है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और ये हमारे घुटनों में होता है। और इसके अलावा जोए जोएस्टिक, बॉल एंड सॉकेट के अलावा जोए जोएस्टिक, और आपने देखा होगा माउस के अंदर जो बॉल होती है, ये सब एग्जांपल है किसके? स्फेरिकल पेयर के। गाड़ी का मिरर, बहुत बढ़िया आमिर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होती है इसके लिए, क्योंकि थ्री डायमेंशनल रोटेशन हो रहा है। गाड़ी का मिरर, बाइक का मिरर, ये सब इसी के ही एग्जांपल्स है। सो माय डियर, हम बात करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन के, जो कि होता है टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट के आधार पे। उसमें एक है लोअर पेयर, हायर पेयर और रैपिंग पेयर। तो अगर दो लिंक के बीच का कनेक्शन बिल्कुल बिल्कुल जाबे, तो माय डियर, अब अगर हम बात कर रहे हैं कौन से पेयर की, सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर दो लिंक के बीच का कॉन्टेक्ट सरफेस कॉन्टेक्ट है तो लोअर पेयर, पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो हायर पेयर। पॉइंट कॉन्टेक्ट का एग्जाम्पल है कैम एंड फुलओवर। ठीक है, कैम एंड फुलओवर इज द एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। इसके अलावा रोलिंग पेयर भी हायर पेयर, क्योंकि पॉइंट कॉन्टेक्ट है। इसके सिवा बाकी जो आपने पेयर पढ़े, कौन कौन से? स्लाइडिंग, टर्निंग और स्फेरिकल, स्क्रू, ये सब क्या है?
लोअर पेयर्स। और माय डियर रैपिंग पेयर उसको बोलते हैं जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लिपटी हो, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव, ये सब क्या है, रैपिंग पेयर। और माय डियर इसके अलावा रैपिंग पेयर अगर ऑप्शन में रैपिंग पेयर ना दिया हो तो हम इनको हाइयर पेयर कंसीडर करते हैं, क्योंकि सरफेस रफनेस के कारण यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स पर कॉन्टेक्ट होता है। तो दिस इज वन मोर क्लासिफिकेशन इज ओवर। तो माय डियर ये सारे मैंने आपको दिखाए भी है बना के, ये प्योर रोटेशन हो रहा है टर्निंग पेयर, प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है प्रिज्मेटिक पेयर, ये हो गया स्क्रू पेयर, ये हो गया स्फेरिकल पेयर, ये प्लेनर पेयर है जिसमें एक मोशन होता है प्लेन के अंदर। बढ़ते हैं आगे, तीसरा क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ क्लोजर के हिसाब से। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है सेल्फ क्लोज पेयर। इसमें आप देख सकते हो कैम फॉलोवर के अंदर ही है, तो इसलिए क्योंकि वो क्लोज है अंदर, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, यहां पर परमानेंट कनेक्शन है, इसलिए इसको सेल्फ क्लोज्ड पेयर बोलते हैं। दूसरा होता है जबरदस्ती का रिश्ता। यहां पर अगर कैम घूम रही है तो वो फॉलोवर को उठा उठा के पटकती है, पर इन दोनों के बीच रिलेशन बनाए रखने के लिए हमको बाहर से बिठाना होता है एक पुलिस वाला, मतलब एक स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग कंप्रेशन में होने के कारण हर समय इन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट को बनाए रखता है। तो माय डियर दिस इज सेड टू बी फोर्स्ड क्लोज, क्योंकि जबरदस्ती हो रही है, और ये ओपन है इसलिए इसको ओपन पेयर भी बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो दोनों के मोशन, आई फील आपको क्लियर हो गया होगा इस फिगर को देख के। सो गाइस जस्ट लाइक एंड शेयर द सेशन ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो। अब बढ़ रहे हम आगे। अब माय डियर हमने पेयर का क्लासिफिकेशन देख लिया है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। तो माय डियर अगर दो लिंक एक जगह पे कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं बाइनरी ज्वाइंट, अगर तीन लिंक कनेक्ट हो तो टर्नरी ज्वाइंट, और एक टर्नरी ज्वाइंट होता है दो बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट, मतलब ये वही काम करता है जो दो बाइनरी ज्वाइंट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वार्टरनरी ज्वाइंट देखोगे तो यहां चार लिंक जुड़ रहे हैं एक ही पॉइंट पे, और एक क्वार्टरनरी ज्वाइंट बराबर होता है थ्री बाइनरी ज्वाइंट पे, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अब माय डियर हम बात करेंगे काइनेमेटिक चेन की। वेरी गुड, वेरी गुड कल्याण, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक चेन की। तो जैसा कि आप जानते हो, आपने साइकिल वाली चेन भी देखी है, तो अगर एक नंबर ऑफ लिंक इस तरीके से कनेक्ट हो जाए कि पहला और आखिरी आपस में जुड़े हुए हो, अगर एक नंबर ऑफ लिंक आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाए कि पहला और आखिरी आपस में जुड़े हुए हो, तो ऐसी चीज को चेन बोलते हैं। और माय डियर अगर इन सभी लिंक्स के बीच का मोशन हो जाए कंस्ट्रेंड कंप्लीटली या सक्सेसफुली, तो उसको बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। अब इस काइनेमेटिक चेन का अगर कोई भी एक लिंक फिक्स हो जाए तो उसको बोलेंगे मैकेनिज्म, और अगर ये मैकेनिज्म आप यूज कर लो वर्क डन निकालने में तो ये बन जाएगी मशीन। तो माय डियर इस तरीके से हम काइनेमेटिक चेन को डिफाइन करते हैं। अब माय डियर ग्रुबलर्स इक्वेशन की बात हो रही है, तो इसके लिए आपने कुर्ट्जबैक इक्वेशन, ग्रुबलर्स इक्वेशन, ये दोनों ही वर्ड यूज होते हैं, तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो इक्वेशन पढ़ी होगी, एफ इज इक्वल टू थ्री एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच, और इस इक्वेशन को कहा जाता है, इस इक्वेशन को कहा जाता है कुर्ट्जबैक इक्वेशन, ठीक है। और ये 2D के लिए मैंने लिखी क्योंकि हमारे सिलेबस में 2D ही है। और माय डियर अब अगर हम ऐसे मैकेनिज्म्स की बात करें जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी 1 है और हाइयर पेयर इक्वल्स टू 0 है, तो माय डियर आप इसको लिख पाओगे 1 इज इक्वल टू 3L माइनस 3 माइनस 2J। तो ये जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3L माइनस 2J माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां पे जब आप लिखोगे 3L माइनस 2 इंटू जे प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हो J प्लस 2 ओड भी हो सकता है इवन भी, पर जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो जाएगा, और अगर ये इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा क्योंकि इवन में से इवन घटाओगे तभी जीरो आएगा, तो उसके लिए क्योंकि थ्री ओड है एल को भी होना पड़ेगा इवन। तो यहां से हमको पता लगा अगर हम मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म इज समथिंग जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगा, तो अगर हम मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है नंबर ऑफ लिंक हो इवन, और माय डियर पहला इवन नंबर जो हम यूज करते हैं वो होता है 4। 4 ही क्यों होता है, क्योंकि अगर आप दो लिंक बनाओगे तो साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगी, चेन ही नहीं बनेगी तो काइनेमेटिक चेन कैसे बने, काइनेमेटिक चेन नहीं बनेगी तो मैकेनिज्म कैसे बनेगा, मशीन कैसे बनेगा। और माय डियर वैसे आपने पढ़ा होगा, हम इसको इससे भी निकाल सकते हैं,
जे इज इक्वल टू 3/2L-2, तो इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, ये यहीं से आती है एक्चुअली, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन याद करो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, पढ़ते समय बात अलग है, रिवीजन के समय बात अलग। अब हम बात कर रहे हैं माय डियर, क्योंकि आपको पता लग गया कि पहला काइनेमेटिक चेन, पहला मैकेनिज्म हमको तब मिलेगा जब नंबर ऑफ लिंक होंगे 4। तो माय डियर जो 4-bar मैकेनिज्म है वो 3 कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होता है। पहली कॉन्फ़िगरेशन होती है सिंपल 4-bar मैकेनिज्म। ओके, सिंपल वर्ड यूज करते हैं जब कोई भी चीज दुनिया में पहली बार आती है, तो जो 4-bar मैकेनिज्म पहली बार आए उनको नाम दिया गया सिंपल 4-bar मैकेनिज्म। सिंपल के बाद माय डियर, उसके बाद जब सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पुरानी हो गई तो हम लेके आए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब ये जो सिंगल स्लाइडर है ये भी 4-bar का ही एक कॉन्फ़िगरेशन है, और तीसरा होगा डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस होती है 4-bar मैकेनिज्म की, ठीक है। 4-bar मतलब नंबर ऑफ लिंक होंगे 4, और इन तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन को हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ सिंपल मैकेनिज्म्स ही हैं। तो माय डियर इन तीनों को एक एक करके देखेंगे और इनकी इन्वर्जन्स भी देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म तो बहुत हो जाएंगे डियर, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है कल्याण, इसमें मैकेनिज्म बहुत सारे होंगे, हर इन्वर्जन एक मैकेनिज्म है। ये 3 क्या है, ये 3 मैकेनिज्म नहीं है, ये 3 क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सो डियर नेक्स्ट इज, आप देख सकते हो 4-bar मैकेनिज्म में टोटल कितने लिंक होते हैं, 4। ये एक लिंक, ये 2 लिंक, ये 3 लिंक और ये 4 लिंक। तो माय डियर नंबर ऑफ लिंक हो गए 4, और अगर आप टर्निंग पेयर काउंट करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो माय डियर नंबर ऑफ टर्निंग पेयर जो है वो है 4। तो 4 टर्निंग पेयर 4 लिंक के साथ बनने वाला ये मैकेनिज्म कहलाता है सिंपल 4-bar मैकेनिज्म। तो गाइस जस्ट लाइक एंड शेयर द सेशन ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो, मुझे लग रहा है रिवीजन में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो माय डियर इन चारों लिंक में ये वाला लिंक जो फिक्स्ड है इसको बेस्ट पोजीशन बोलते हैं, क्योंकि इनपुट इसी की रिस्पेक्ट में दी जाती है, आउटपुट इसी की रिस्पेक्ट में मिलती है। फिर माय डियर ये इनपुट और आउटपुट लिंक को सेकंड बेस्ट पोजीशन कहा जाता है, क्योंकि इनके मोशन वेल डिफाइंड है। फिर ये जो कपलर है इसको बोला जाता है वर्स्ट पोजीशन, क्योंकि इसका मोशन वेल डिफाइंड नहीं होता, ये कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन और रोटेशन का एक रफ कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो बढ़ रहे हैं आगे। अब माय डियर बात करेंगे इन्वर्जन्स की, जहां से पेपर में क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, तो जो 60 मार्क सीरीज है उसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहां पर हम थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं, एक क्विक रिवीजन है जो कि आपको पेपर में हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे इन्वर्जन्स की। तो माय डियर आपको पता है कि मैकेनिज्म क्या होता है, जब हम एक काइनेमेटिक चेन के किसी भी एक लिंक को फिक्स कर दे तो वो बन जाता है मैकेनिज्म। अब माय डियर अगर मेरे पास एक 4 लिंक वाला मैकेनिज्म है तो मेरे पास फिक्स करने के लिए कितने ऑप्शन है, मेरे पास फिक्स करने के लिए 4 ऑप्शन है। तो मैं चारों में से किसी भी लिंक को फिक्स कर सकता हूं एक एक करके, ठीक है। तो माय डियर अगर मेरे पास नंबर ऑफ लिंक 4 है तो मैं उससे कितने मैकेनिज्म बना सकता हूं, मैं उससे कितने मैकेनिज्म बना सकता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैकेनिज्म पॉसिबल। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैकेनिज्म बन सकते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक ही है, तो 4 से मैं 4 बना सकता हूं। तो माय डियर ये जो 4 बनेंगे ये 4 कहलाते हैं इन्वर्जन्स, मतलब मेरे पास एक 4-bar की काइनेमेटिक चेन है। तुमने कहा सर OA को फिक्स कर दो, एक मैकेनिज्म मिला। तुमने कहा सर AB को फिक्स कर दो, दूसरा मैकेनिज्म मिला। तुमने कहा सर BC को फिक्स कर दो, तीसरा मैकेनिज्म मिला। OC को कर दो, चौथा मिला। तो ये जो चारों मैकेनिज्म है ये 4 इन्वर्जन्स कहलाएंगी सिंगल, ये 4 इन्वर्जन कराएंगी किसकी, सिंपल 4-bar मैकेनिज्म की। बट माय डियर जब हम इसकी चारों इन्वर्जन्स को देखते हैं तो हमें पहली इन्वर्जन में जो पहला मोशन मिलता है वो मिलता है क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, मतलब इनपुट भी पूरा रोटेट कर जाता है, आउटपुट भी पूरा रोटेट, मतलब इस तरह का मोशन मिलता है, इनपुट भी रोटेट आउटपुट भी रोटेट। दूसरी तरह का मोशन मिलता है क्रैंक रोकर, क्रैंक का मतलब है कंप्लीट रोटेशन, रोकर का मतलब है पार्शियल रोटेशन, ये दूसरी तरह का मोशन मैकेनिज्म हमको मिलता है, ठीक है। तीसरी तरह का जो मैकेनिज्म मिलता है वो मिलता है रोकर क्रैंक, तीसरी तरह का मिलता है रोकर क्रैंक, ठीक है। अब देखो अभी क्या मिल रहा था, क्रैंक रोकर, अगर मैं अपने आपको 180 डिग्री से घुमा दूं क्या हो गया, रोकर क्रैंक।
तो इसलिए माय डियर इन दोनों को एक ही मैकेनिज्म, एक ही इन्वर्जन कहा गया, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन्स में हमारा टारगेट है रिलेटिव मोशन को लाना, और अगर दो मैकेनिज्म हमको सेम रिलेटिव मोशन दे रहे हैं तो उन दोनों को हम अलग अलग नहीं मानेंगे, उन दोनों को हम सेम ही मानेंगे, ठीक है। तो माय डियर ये बात हो गई किसकी, टाइप ऑफ मैकेनिज्म की। चौथा होता है डबल रोकर। डबल रोकर का मतलब है कि दोनों ही मैकेनिज्म, दोनों ही लिंक में कोई भी प्योर पूरा रोटेशन नहीं कर रहा, दिस इज नोन एज डबल रोकर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं जो मैंने अभी तक नहीं बताया है, कि एक हायर पेयर कितने लोअर पेयर के बराबर होता है, एक हायर पेयर कितने लोअर पेयर के बराबर होता है, थोड़ा सा आपको भी चेक कर ले। वन हायर पेयर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी लोअर पेयर्स, दो लोअर पेयर के, वेरी गुड। तो एक हायर पेयर दो लोअर पेयर के बराबर होता है, इसको हम यूज करते हैं तभी आती है हमारे पास इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही शानदार। तो माय डियर अब आते हैं ग्रेशोफ। तो ग्रेशोफ माय डियर, और मैं आपको चैप्टर के एंड में ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से क्या क्या चीजें पेपर में आती हैं, ठीक है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो माय डियर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेशोफ लॉ। तो ग्रेशोफ ने क्या कहा, ग्रेशोफ ने कहा कि अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम आपको कॉन्टिन्यूअस मोशन दिलाएंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जिसमें कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहे। अब ये होता है क्रैंक, ये होता है रोकर। ये तो कोई भी बता देगा कि क्रैंक कॉन्टिन्यूअस है, रोकर में डिसकॉन्टिन्यूटी आती है जब जब इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो माय डियर इसका मतलब ग्रेशोफ कह रहे थे हमारी बात मानो तो हम तुम्हें कम से कम एक क्रैंक का वादा करते हैं। जैसे जब आता है समय चुनावों का तो वादा होता है ना एक साइड से कि अगर हम इस बार सरकार में आए तो ये पक्का करेंगे। तो माय डियर ऐसा ही ग्रेशोफ ने वादा किया था, हमारी बात मानो तो ये पक्का है कि आपको एक क्रैंक हम दिला के रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि आपको हमारी एक बात माननी है, एस प्लस एल लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू। मतलब एस क्या है, शॉर्टेस्ट लिंक की लेंथ, एल क्या है, लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ, पी और क्यू क्या है, अदर टू लिंक की लेंथ। तो अगर एस प्लस एल लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू है तो ये ग्रेशोफ लॉ है। उन्होंने कहा अगर आप इसको सेटिस्फाई करा दो ना तो हम वादा करते हैं कि आपको दिलाकर रहेंगे एक क्रैंक, आपको दिलाकर रहेंगे कॉन्टिन्यूअस मोशन। पर माय डियर जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो हमने क्या पाया, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं कि जब भी आप देखोगे कि एस प्लस एल लेस देन है पी प्लस क्यू या इक्वल्स टू है पी प्लस क्यू, तो माय डियर ऐसे में पहली बात तो लो सेटिस्फाई है तो हमको क्या मिलना चाहिए, कम से कम एक क्रैंक। कम से कम एक क्रैंक का क्या मतलब है, या तो क्रैंक रोकर मैकेनिज्म या तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इन दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए। तो माय डियर होता क्या है, जब आप शॉर्टेस्ट लिंक को करते हो फिक्स तो आपको मिल जाता है डबल क्रैंक, देन यू गेट डबल क्रैंक, ठीक है। और अगर आप शॉर्टेस्ट के साथ वाले को फिक्स करोगे, शॉर्टेस्ट के साथ वाला फिक्स, तो माय डियर शॉर्टेस्ट के साथ वाला फिक्स करने पे आपको मिलता है क्रैंक रोकर, इसको मिलता है क्रैंक रोकर। और अगर आप शॉर्टेस्ट को बना दोगे कपलर तो माय डियर आपको मिलेगा डबल रोकर। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जब आप ऐसे लिखते हो तो आपको कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू चेक द कंडीशन वेदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप देखोगे शॉर्टेस्ट लिंक कहां है। अगर शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स पोजीशन पे है तो आपको आगे की कहानी देखनी ही नहीं है, यहीं पर सेटिस्फाई हो गया मतलब डबल क्रैंक है। ये ऑर्डर है जो आपको प्रायोरिटी में फॉलो करना है, ऐसा नहीं ये कंडीशन मिल गई फिर भी आप चेक कर रहे हो अरे कोई शॉर्टेस्ट कपलर पे तो नहीं है, क्योंकि किसी मैकेनिज्म में दो शॉर्टर लिंक भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में चेक नहीं करना, आपको सिर्फ प्रायोरिटी वाइज जाना है। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो आगे का नहीं देखना, ये नहीं हुई तो आगे जाना है, फिर ये सेटिस्फाई कर गई तो आगे नहीं जाना, ये नहीं हुई तो आगे जाना है, ठीक है। तो ये रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी भी केस में आंसर दे दोगे। तो ये कब है, जब एस प्लस एल लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो माय डियर इसके साथ एक और कंडीशन आती है, इसके साथ ये आपको दिखाया गया कि क्रैंक रोकर क्या होता है, ये डबल क्रैंक है, दिस इज द डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद आप फील कर सकते हो क्रैंक रोकर को, तो आप देख सकते हो ये पूरा घूम रहा है और ये पार्शियल, तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, क्रैंक रोकर। बढ़ते आगे,
और ये भी क्या है क्रैंक रोकर, ठीक है, और ये क्या है डबल रोकर। तो ये सारे मैकेनिज्म वैसे मैं अपनी मूवमेंट से आपको दिखा चुका हूं, फिर भी रियल फिगर्स आपके सामने रख दिए। अब माय डियर एक केस ये भी हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो चार लिंक है उसमें दो शॉर्टेस्ट लिंक हो और दो लॉन्गेस्ट लिंक। अगर ऐसा हो जाए तो माय डियर अगर आप शॉर्टेस्ट को लॉन्गेस्ट से जोड़ो, लॉन्गेस्ट को शॉर्टेस्ट से, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज। अब इस पैरेललोग्राम लिंकेज में आप किसी को भी फिक्स करो, आपको हमेशा मिलेगा डबल क्रैंक, कभी भी आपको डबल क्रैंक के सिवा कुछ और मिलेगा ही नहीं, हमेशा मिलेगा डबल क्रैंक, क्योंकि ये ग्रेशोव की बात को पूरा मानते हैं। इनको गोल्डन चेन भी कहा जाता है, जैसे आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपको अच्छा स्टूडेंट बोलूंगा, तो इसी तरीके से इसको बोला जाता है क्या गोल्डन चेन। इसी तरीके से शॉर्टेस्ट को शॉर्टेस्ट से जोड़ दो लॉन्गेस्ट को लॉन्गेस्ट से, तो इसको बोला जाता है डेल्टोइड लिंकेज। और माय डियर डेल्टोइड लिंकेज की बात करें तो इसमें भी आपको कुछ भी फिक्स करो एक क्रैंक जरूर मिलेगा। जैसे आपने ये फिक्स कर दिया ये शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट फिक्स में आप डबल क्रैंक बोल दोगे, आप दूसरे शॉर्टेस्ट को चेक नहीं करोगे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई मतलब हो गया। तो माय डियर डेल्टोइड भी आपको या तो डबल क्रैंक देगा या क्रैंक करोगा। तो ये वो कंडीशन है जब आपका लो सेटिस्फाई करने के बाद आपको एक क्रैंक पक्का मिलने ही वाली है। अब माय डियर हम बात करते हैं सबसे लास्ट केस की, कि अगर लो सेटिस्फाई ही नहीं करे, तो माय डियर जब लो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा तो ग्रेशोव की कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए यहां पे आपको मिलता है डबल रोकर। तो माय डियर इसीलिए जब भी क्वेश्चन में दिया जाए तो आप कुछ भी डिसीजन तब लो जब आप ये कंफर्म हो जाओ कि लो सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर जब लो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो डबल रोकर ठीक है, पर यहां तो लो सेटिस्फाई हो रहा है और लो सेटिस्फाई होने के बाद भी हमको मिल रहा है डबल रोकर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो माय डियर जब लो सेटिस्फाई होने पर भी डबल रोकर मिल रहा है, हालांकि ऐसा मिलने पर हमें लो इसको बोलना ही नहीं चाहिए एज पर द रूल, पर फिर भी हम बोलते हैं क्योंकि ग्रेशोव ने अपनी जिंदगी के 5 से 6 साल इस काम में जब दिए तो ही हैव गिवन अ वंडरफुल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इस कंडीशन में हमको मिल रहा है क्या डबल रोकर, तो ये मिलना नहीं चाहिए था फिर भी मिल रहा है। रीजन कहा गया मिस यूटिलाइजेशन, कि आप शॉर्टेस्ट लिंक को सही जगह नहीं लगा रहे, तो इसमें गलती आपकी है ग्रेशोव की नहीं, ठीक है। ये सारी बातें मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, तो डोंट टेक देम इन द अदर वे, ओके, कि सर स्टोरी सी बता रहे हैं। तो माय डियर अब ग्रेशोव लो हमारा हो गया। अब सिंपल, और मैं पहले बता रहा हूं ये रिवीजन है, इसको रिवीजन की तरह समझना, यही चीज मैं क्लास में 20 घंटे पढ़ाता हूं तो तब लेवल अलग होता है, कहानियां अलग होती है, अब हम रिवाइज कर रहे हैं तो समय कहानियों का नहीं है। तो माय डियर अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं फोर बार मैकेनिज्म की। तो जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बीम इंजन, और ये जो बीम इंजन मैकेनिज्म है ये सर जेम्स वुड का पहला अटेम्प्ट है स्टीम इंजन बनाने के लिए, क्योंकि एक समय था वर्ल्ड वॉर्स के दौरान जब ये वर्ल्ड वॉर्स के दौरान तो नहीं कहूंगा वर्ल्ड वॉर के दौरान LPPIA लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो एक समय था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाना चाहती थी एक ऐसी डिवाइस जिससे युद्ध की सामग्री कम से कम समय में सैनिकों तक पहुंचाई जा सके। तो ऐसे समय पे सर जेम्स वुड को उनकी टीम के साथ जब इन्वाइट किया गया तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो बहुत तेज स्पीड से चलाएगा एक लोकोमोटिव को, ट्रेन को। तो माय डियर वहां से काम शुरू हुआ था लोकोमोटिव बनाने पर, और जब ये काम शुरू हुआ तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था माय डियर वो था बीम इंजन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो बीम इंजन को, तो ये लिंक 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये जब रोटेट करेगा तो ये करेगा ओसिलेट, ठीक है। तो इस ओसिलेशन को अगर हमने एक पिस्टन और सिलेंडर से जोड़ दिया तो दिक्कत ये आ रही थी कि जब ये ओसिलेट करेगा तो ये सिलेंडर के ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस क्रिएट होंगे जो कि हाई स्पीड पर इसको काम नहीं करने देंगे। तो ये जो मैकेनिज्म आया ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म था, पर ये 60 RPM के बाद कामयाब नहीं हो पाया। रीजन था अनबैलेंस फोर्सेस जो कि जनरेट हुए इस ओसिलेशन के कारण, क्योंकि यहां ओसिलेशन है और पिस्टन को करना है ट्रांसलेशन, समझ पा रहे हैं। तो इस कारण से मैकेनिज्म फेल हुआ, पर आज भी इस मैकेनिज्म को हम ऑयल रिफाइनरीज में यूज करते हैं, आज भी इस मैकेनिज्म को हम यूज करते हैं ऑयल रिफाइनरीज के अलावा कहां पर, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन आपने देखी होगी घरों पे, पैरों से ऐसे कर रहे होते हैं और ऊपर घूम रहा होता है, तो जो पैरों से कर रहे होते हैं वो ये है और जो घूम रहा होता है वो ये है।
ठीक है, तो सिलाई मशीन में यूज होता है अरबी। तो दूसरा ये बीम इंजन आपने देख लिया कैसा दिखता है, ठीक है, दिस वॉज द सेम थिंग वंस अगेन। अब बात करते हैं कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव। तो माय डियर ये कपलिंग रोड है जो कि दो व्हील्स को जोड़ती है। जब जब लोकोमोटिव का इंजन बना था तो वो बहुत सारी पावर को जनरेट कर रहा था, तो वो बहुत सारी पावर वेस्ट हो रही थी, हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा कि पावर का जनरेशन कम करते हैं, यूटिलाइजेशन बढ़ाते हैं। तो हमने पहले हर व्हील पे सिलेंडर दे रहे थे, तो अब हमने क्या किया, दो दो व्हील पे एक सिलेंडर दिया और उनको कनेक्ट कर दिया। मतलब एक ही सिलेंडर से पावर जाएगी दो व्हील्स पे, तो पावर डिवाइड हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सर स्विंग मशीन में बहुत हाई आरपीएम कर सकते हैं, तो माय डियर वहां पर आप ओसिलेशन नहीं, ओसिलेशन को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट नहीं कर रहे ना, वहां पर कहां कन्वर्ट कर रहे हो। दिक्कत ये थी कि हमें इंजन के अंदर रेसिप्रोकेशन चाहिए था। ओके, सो गाइस अभिनव नेगी सर इज देयर इन द कमेंट सेक्शन, सो जस्ट वेलकम सर एंड यस लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गाइस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव, ये क्यों यूज होती है, दो व्हील्स को कपल करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज सेड टू बी कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव। तो ये इसका एक एनिमेशन है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन एंगल के बारे में। तो ट्रांसमिशन एंगल होता क्या है, अगर हम बात करें कि ये एक सिंपल फोर बार मैकेनिज्म है, तो इस सिंपल फोर बार मैकेनिज्म में ये वाला जो लिंक है इसको हम क्रैंक बोलेंगे, इसको रोकर बोलेंगे, अगर ये मैकेनिज्म क्रैंक रोकर मैकेनिज्म है तो। तो अगर ये क्रैंक रोकर मैकेनिज्म है तो ये क्रैंक हो जाएगा और ये रोकर। तो जो क्रैंक है, क्रैंक जो भी एंगल बनाता है फिक्स लिंक के साथ उसको बोला जाता है क्रैंक एंगल, ठीक है। सो थीटा हमारा है क्रैंक एंगल। इसी तरीके से जो आउटपुट लिंक है और जो कपलर है उनके बीच के एंगल को बोला जाता है ट्रांसमिशन एंगल। तो माय डियर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ट्रांसमिशन एंगल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जब हम निकालते हैं, मैंने आपको डेरिवेशन हमने किया हुआ है क्लास में, तो जब भी आप इसको निकालते हैं तो आप ये पाएंगे कि एक कंडीशन होती है जब थीटा जीरो हो जाए। तो जब थीटा जीरो हो जाता है तो हमको मिलता है ट्रांसमिशन एंगल का मिनिमम वैल्यू, और जब थीटा 180 हो जाता है तो हमको मिलता है ट्रांसमिशन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमें मिलता है ट्रांसमिशन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू। तो माय डियर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी आती है, तो माय डियर हम क्या चाहते हैं, कोई बताएगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, कि हम क्या चाहते हैं ट्रांसमिशन एंगल किसके आसपास होना चाहिए, कोई बताएगा, आमिर, नवीन, जाबिर, कल्याण, कोई बताएगा, व्हाट यू वांट द म्यू टू बी, ट्रांसमिशन एंगल की वैल्यू किसके आसपास होनी चाहिए तो अच्छी होती है। बिल्कुल ये होनी चाहिए 90 डिग्री के आसपास, क्योंकि अगर ये 90 से बहुत कम या बहुत ज्यादा हो गई तो माय डियर आउटपुट पे उतना टॉर्क ही जनरेट नहीं होता जो आउटपुट लिंक घूम पाए। तो इसलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि 90 के आसपास होना चाहिए। अब माय डियर मैकेनिकल एडवांटेज भी आपने देखा होगा, इट इज अ टर्म जो बोलता है एफ आउटपुट बटे एफ इनपुट, और आप इसको लिख सकते हो टॉर्क आउटपुट बाय टॉर्क इनपुट, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज को डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी को डिफाइन किया जाता है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। पावर को आप लिख सकते हो टॉर्क आउटपुट ओमेगा आउटपुट डिवाइडेड बाय टॉर्क इनपुट ओमेगा इनपुट। सो माय डियर टीओ बाय टीआई होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो आप लिख सकते हो एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज टाइम्स ओमेगा आउटपुट बाय ओमेगा इनपुट। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा एफिशिएंसी टाइम्स ओमेगा इनपुट बाय ओमेगा आउटपुट। तो माय डियर ऐसे केसेस जहां पे ओमेगा आउटपुट जीरो होगी वहां मैकेनिकल एडवांटेज इंफिनिटी होगा, और ऐसी कंडीशन को कहा जाता है टोगल पोजीशंस। जहां पर भी आउटपुट लिंक माय डियर आउटपुट लिंक क्या हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा, मतलब रेस्ट पे आएगा। उस हर जगह पे जहां पे रेस्ट पे आएगा वहां पर माय डियर इसकी स्पीड होगी जीरो। ये जीरो रखते ही एडवांटेज मिलेगा इनफाइनाइट। सो माय डियर यही होती है ब्यूटी इस कॉन्सेप्ट की, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है।
माय डियर हम बहुत फास्टली पढ़ रहे हैं जैसा मैंने आपसे कहा, तो उन पोजीशन को टॉगल पोजीशन कहा जाएगा जब हमें मिलता है ओमेगा आउटपुट टू बी जीरो। जैसे अगर ये क्रैंक रोकर मैकेनिज्म है, इफ दिस इज क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, तो आपको पता है रोकर यहां पे और यहां पे अपनी डायरेक्शन और मोशन चेंज कर, तो जब रोकर इस पोजीशन में होगा, when rocker will be at this position, you can see this, ये एक पोजीशन है, और दूसरी पोजीशन अगर आप देखना चाहते हो तो दूसरी पोजीशन होगी ये। तो दो पोजीशन मैंने आपको दिखा दी जहां पे आपको मिलेगा ओमेगा आउटपुट का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज। तो माय डियर ये दोनों ही पोजीशन जो है, यस हिबा आरिफ यू आर करेक्ट, सो ये दोनों ही पोजीशन जो है वो टोगल पोजीशन कहलाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इसको आप बीटा बोल दो, तो यहां पर बीटा जीरो है और यहां पर बीटा 180 है। तो क्रैंक और कपलर के बीच का एंगल जब जीरो और 180 होगा वहां पे आपको मिलेगी टोगल पोजीशंस। तो गाइस जस्ट लाइक एंड शेयर द सेशन, ठीक है, क्योंकि वी आर नियरली एट द एंड। ट्रांसमिशन एंगल में एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, इसमें आप वैल्यू कैसे निकालोगे म्यू की, मैंने आपको ये तो बता दिया मिनिमम कहां है और मैक्सिमम कहां है, पर वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये मैंने क्या लगाया है, कोसाइन रूल। कौन से वाली ट्रायंगल पे कोसाइन रूल, इस वाली ट्रायंगल पे। ठीक है, अब आप दूसरे वाली ट्रायंगल पे लगाओगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू सी डी कोस म्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो, ए बी सी डी लिंक की साइड है तो हमको ए भी पता, बी भी पता, सी भी पता, डी भी पता, सब पता है, हमको थीटा भी पता होगा। ठीक है, तो जब हमको ये सारी ही चीजें पता है, जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो सिर्फ एक ही अननोन है म्यू, वो आपका आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इन दोनों को इक्वेट करना है और कुछ नहीं करना। हाँ 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 पार्थ पटेल, दिस इज ए बी, दिस इज सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू सी डी कोस म्यू, तो ये हो गया ए। ओके ओके ओके, मुझे लिखना चाहिए नाम ये ए बी और ये सी डी, अभी ठीक है, वेरी गुड पार्थ, बहुत बढ़िया पकड़ी आपने मिस्टेक, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो माय डियर अब हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पे। तो फोर बार मैकेनिज्म की जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है उसको कहा जाता है, हाँ कम चांस है क्योंकि मिसलेनियस पार्ट है। ठीक है, पर मैं आपको बता दूं आमिर, कम मत बोलो, मैं तो ये कहूंगा इसके ज्यादा चांस है। अगर आप पिछले तीन साल का पेपर देखो वो वही चीजें पूछ रहे हैं जो आज तक उन्होंने नहीं पूछी, और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैं ये कहूंगा बहुत जल्दी ये पेपर में आने वाला है। आप मार्क कर लो आज मेरे वर्ड, आपको या तो 2023 में दिखेगा या 24 में दिखेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं आज। ठीक है, आएगा तो इस सेशन का लिंक शेयर करूंगा आपसे। ठीक है, अभी तो बात करते हैं दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो माय डियर पहली कॉन्फ़िगरेशन थी सिंपल फोर बार मैकेनिज्म। सिंपल फोर बार में चार लिंक थे, चार टर्निंग पेयर थे। अगर हम एक टर्निंग पेयर को कन्वर्ट कर दें एक एक स्लाइडिंग पेयर में तो हमें दूसरी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, और जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है उसमें चार लिंक है हमारे पास। पहला लिंक सिलेंडर, दूसरा लिंक पिस्टन, सॉरी दूसरा लिंक क्रैंक, तीसरा लिंक कनेक्टिंग रोड और चौथा पिस्टन। नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हो, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने नंबरिंग वही फॉलो की जो लिखी हुई है। तो माय डियर इसमें चार लिंक है, अब चारों लिंक को जब आप एक एक करके फिक्स करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्जन मिलेंगे। तो माय डियर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन मिलेगी वो बराबर होंगी चार के। सिंपल फोर बार मैकेनिज्म में हमको तीन इन्वर्जन मिलती है जबकि यहां पर हमको चार इन्वर्जन मिलती है। तो माय डियर अब अगर आप सिलेंडर को फिक्स रखते हो तो सिलेंडर को फिक्स रखने पर आप अगर इनपुट पे क्रैंक को लेते हो और आउटपुट पे पिस्टन को, तो माय डियर ये बन जाएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर में क्रैंक घूमेगी और ये पिस्टन कंप्रेस करेगा मिक्सचर को। और अगर आप यहां पर दे देते हो इनपुट और यहां पर लेते हो आउटपुट,
तो माय डियर फिर ये बन जाएगा रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। तो सिलेंडर फिक्स करने में हमको ये मिलता है, तो सिलेंडर फिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन या फिर कंप्रेसर। और ये दोनों फर्स्ट इन वर्जन कहलाएंगे क्योंकि दोनों में ही रिलेटिव मोशन सेम है। क्या है? ट्रांसलेशन टू रोटेशन या रोटेशन टू ट्रांसलेशन, दोनों एक ही रिलेटिव मोशन में काउंट होंगे। और जब तक रिलेटिव मोशन एक है इन्वर्जन एक ही रहेगी। तो ये दोनों मैकेनिज्म एक ही इन्वर्जन का हिस्सा है। अब बढ़ रहे हैं दूसरी इन्वर्जन के ऊपर। जब हम क्रैंक को फिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म और रोटरी आईसी इंजन। ये दोनों मिलते हैं क्रैंक फिक्स करने पर। फिर जब हम कनेक्टिंग रोड को फिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म एंड ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म। फिर हम जब फिक्स करेंगे पिस्टन को तो हमको मिलेगा हैंडपंप, पेंडुलम पंप या बुल इंजन। ठीक है, तो माय डियर इन सभी मैकेनिज्म्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ये यूज होता है शेपर और प्लेनर में। जो सबसे पहला मैकेनिज्म शेपर और प्लेनर में यूज हुआ उसका नाम है विटवर्थ। विटवर्थ में कुछ कमियां थी, उनको दूर किया इस मैकेनिज्म ने। ठीक है, इसमें होता क्या है, आप देख सकते हो कि यहां पर हम एक मोटर लगाते हैं जो कि घूमती है। मोटर के साथ क्रैंक जुड़ा है तो क्रैंक भी घूमेगा, क्रैंक के साथ स्लाइडर जुड़ा है तो स्लाइडर भी घूमेगा, और स्लाइडर को हमने डाल दिया स्लोटेड बार में। तो माय डियर जब आपका स्लाइडर B1 से लेके B2 तक जाता है उस समय पर हमारी स्लोटेड बार C1 से C2 जाती है और हमारा कटिंग टूल R1 से R2, और इस दौरान हम कटिंग प्रोड्यूस करते हैं। कटिंग प्रोड्यूस करने का मतलब है ये फॉरवर्ड स्ट्रोक है। ठीक है, इसके बाद माय डियर जब आपका स्लाइडर सॉरी जब आपका क्रैंक घूमता है B2 से B1, ऐसे समय पर ये जाती है C2 से C1, ये जाती है R2 से R1, और माय डियर इसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। अब आप देख सकते हो जाते समय ज्यादा एंगल ट्रेवल किया, आते हुए कम, क्योंकि क्रैंक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है तो जाते बाकी ज्यादा टाइम लगेगा, आते हुए कम, क्योंकि जाते हुए कटिंग होगी वापसी में कटिंग नहीं होगी। तो ये ऐसी जगह यूज होता है जहां रिटर्न स्ट्रोक आइडल हो, इसलिए इनको क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि जाता है कटिंग टूल धीरे 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 धीरे, आता है कटिंग टूल तेजी से, जाता है धीरे धीरे धीरे, आता है तेजी से। तो माय डियर यहां पर जो क्विक रिटर्न रेशियो है उसको डिफाइन किया जाता है बीटा बाय अल्फा। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्ड टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिटर्न स्ट्रोक, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो माय डियर इसके बाद आप देख सकते हो ये इसका एनिमेशन है क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म का, और इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना है। इसके लिए आपसे स्ट्रोक लेंथ पूछ सकते हैं, ये होता है 2 × लेंथ ऑफ फ्लोटेड बार इनटू क्रैंक लेंथ बटे कनेक्टिंग रोड लेंथ। ये फॉर्मूला होता है स्ट्रोक लेंथ निकालने का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, स्ट्रोक लेंथ निकालने का। तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रोक लेंथ कैसे निकालेंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। अब बढ़ते हैं आगे विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ये इस दुनिया का पहला क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म था, तो इस दुनिया का पहला शेपर, पहला प्लेनर इसी पर बना। इस दुनिया का पहला शेपर, पहला प्लेनर इसी पर बना। बट माय डियर इसमें दिक्कत ये थी, जब हम इसमें स्ट्रोक लेंथ की बात करते हैं तो वो इस छोटे वाले सर्कल के डायामीटर के बराबर आ जाती है। मुझे लगता है रिवीजन में मुझे एक एक मोशन को तो शायद अभी बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते ही हो क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो वही पॉइंट में बोल रहा हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो माय डियर यहां पर C1 से C2 जो छोटे सर्कल का डायामीटर है उसी के बराबर होती है स्ट्रोक लेंथ। तो यहां पर स्ट्रोक लेंथ अगर आपको बढ़ानी है तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, जबकि क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर में आपका फॉर्मूले में रेडियस ऑफ क्रैंक भी आ रही थी, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड भी आ रही थी और लेंथ ऑफ स्लोटेड बार भी आ रही थी। तो तीनों लेंथ में आप किसी को भी चेंज करते तो आपको स्ट्रोक लेंथ बढ़ या घट सकती थी। ठीक है, तो माय डियर ये एक डबल क्रैंक मैकेनिज्म है। ठीक है, ये एक डबल क्रैंक मैकेनिज्म है। अगर हम बात करें क्रैंक फिक्स होगी तो डबल क्रैंक मिलेगा, कनेक्टिंग रोड फिक्स होगी तो क्रैंक रोकर मिलेगा, स्लाइडर फिक्स होगा तो क्या मिलेगा वो भी देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो ये है विटवर्थ, उसके बाद है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन।
तो माय डियर ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन हमको तब मिलता है जब कनेक्टिंग रॉड फिक्स होती है, तो इसलिए क्रैंक रोकर मैकेनिज्म होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जब ये क्रैंक घूमेगी तो ये सिलेंडर ऑसिलेट करेगा। ये सर जेम्स वॉट का दूसरा अटेम्प्ट था स्टीम इंजन बनाने के लिए, ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया था, क्योंकि जब ये बहुत भारी सिलेंडर जिसमें 250 किलो की पिस्टन है, जब ये छोटी सी पिन के अबाउट करेगा ऑसिलेट, तो ज्यादा स्पीड पे करेगा तो फिर अनबैलेंस फोर्सेस आएंगे, तो इसको हम यूज इसलिए नहीं कर पाए 60 आरपीएम के बाद। पर ये आज भी यूज होता है छोटे छोटे स्टीम इंजन में, डेमो इंजन में, या जो खिलौने वाले इंजन होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट इंजन था तो इसको नाम दिया गया था वोबलर। वोबलर यूज होता था उस समय पे छोटे छोटे स्टीम इंजन जो कि शिप के लिए यूज होते थे, ठीक है। तो आज की डेट में यूज नहीं होता, तो आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग कैसी है, ठीक है, इज इट क्लियर। इसके बाद हमारे रोटरी आईसी इंजन की बात। रोटरी आईसी इंजन एयरक्राफ्ट में यूज किया गया था सबसे पहले वाइट ब्रदर्स के द्वारा। आप इसमें फील कर सकते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसको फील करना चाहते हैं, क्योंकि यह क्रैंक फिक्स है तो यहां पर हमको मिलता है क्या, हमको मिलता है डबल क्रैंक, ओके। आप जानते हो जैसे ही पिस्टन के अंदर आएगा कंबस्शन, धक्का लगेगा, तो ये पिस्टन आगे जाना चाहेगी, और क्योंकि ये पिस्टन कनेक्टिंग रोड से अटैच है और कनेक्टिंग रोड क्रैंक से और क्रैंक फिक्स है, तो माय डियर क्योंकि इसको धक्का नहीं लगेगा, ये मूव नहीं होने देगी क्योंकि ये फिक्स है, तो ये पूरे सिलेंडर को हिला देगी, ऐसे घुमा देगी। ये इसी तरीका रोटेशन हर जगह से आ रहा होगा, तो इसलिए पूरा सिलेंडर ब्लॉक घूमेगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है। और इस घूमते हुए ब्लॉक को आप लगा दोगे एयरक्राफ्ट के प्रोपेलर शाफ्ट के साथ, तो आपको मिल जाएगा रोटेशन टू रोटेशन, ठीक है, इस तरीके का मोशन आपको मिलेगा। बस हमारा खत्म होने वाला है 5 से 7 मिनट, और एज पर माई प्रोमिस 1 घंटे में खत्म करेंगे, ठीक है। तो माई डियर अब हम बात करते हैं, अगर स्लाइडर फिक्स होता है तो क्या मिलेगा। स्लाइडर फिक्स होता है तो हमको मिलता है हैंडपंप, ठीक है। तो आपको याद होगा इसका हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है कि कैसे मिलता है, पर अब तो हमें सिर्फ याद रखना है पेपर के हिसाब से। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर स्लाइडर फिक्स है तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, हैंडपंप, ठीक है। तो ये इन्वर्जन है जो स्लाइडर फिक्स होगा, तो यहां पे इनपुट होगी ओसिलेशन और आउटपुट होगी रेसिप्रोकेशन, तो इट इज गोइंग टू बी ओसिलेशन टू रेसिप्रोकेशन। हाँ भाई आमिर, समझ आ रहा है कि नहीं। आखिरी कॉन्फिगरेशंस पे हम आ चुके हैं। आमिर, पार्थ, नवीन, जाबिर, हिबा, आर वी गेटिंग और नॉट। तो माय डियर नेक्स्ट है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। अगर दो दो स्लाइडर, अगर हम दो टर्निंग पेयर को दो स्लाइडिंग पेयर से बदल दे, अगर दो टर्निंग पेयर को दो स्लाइडिंग पेयर से बदल दे, तो उसको बोला जाता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। यहां पर आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रही है ये लिंक नंबर 4, इसको बोलते हैं क्या, इट इज सेट टू बी स्लोटेड प्लेट। इस पे स्लोट बने होते हैं, इसको स्लोटेड प्लेट बोलते हैं। ये दो स्लाइडर है, ठीक है, और ये इनको जोड़ने वाला लिंक है। तो माई डियर ये 4 लिंक है। अब ध्यान से देखो तो ये वाला टर्निंग पेयर, ये वाला टर्निंग पेयर स्लाइडर और स्लोटेड प्लेट में है। कौन सा पेयर, स्लाइडिंग पेयर। तो दो स्लाइडिंग पेयर, दो टर्निंग पेयर, 4 लिंक। यहां पर भी जब आप इन्वर्जन निकालोगे तो टोटल इन्वर्जन 3 ही मिलती है। जब स्लोटेड प्लेट को फिक्स करोगे तो एलिप्टिकल ट्रेमल, किसी भी स्लाइडर को फिक्स करोगे तो स्कोच योक मैकेनिज्म, और दोनों को जोड़ने वाले लिंक को फिक्स करोगे तो ओल्ड हैम कपलिंग। तो ये 3 तरह के मैकेनिज्म हमको मिलते हैं। ओके ओके जाबिर, अगर ऐसा है तो इन द लास्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। सो माय डियर, व्हेन वी आर हैविंग, जब हमारे पास स्लोटेड प्लेट फिक्स है, तो स्लोटेड प्लेट फिक्स होने पर होता यह है कि ये वाला पॉइंट, ये जो स्लाइडर ए है, ये ऐसे जाएगा और ये बाहर जाएगा, फिर जब ये ऊपर आएगा तो ये यहां। तो कहने का मतलब है ये स्लाइडर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो देखा जाता है कि जब आप किसी भी पॉइंट का लोकस निकालते हो इस लाइन के ऊपर, तो वो इलिप्स की इक्वेशन आ जाता है। मतलब अगर आप इस लाइन में कहीं भी पेंसिल डाल दोगे तो वो इलिप्स फ्लोट करेगी,
तो अगर आपको कभी इलिप्स प्लॉट करना हो, इलिप्स जनरेट करना हो, तो आप इसको यूज करते हो और इसको कहा जाता है इलिप्टिकल ट्रेबल। और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट पी लेता हूं जिसका लोकस मैंने देखा एक्स कोमा वाई पॉइंट, तो आपको पता है जो एपी और बीपी है, एपी और बीपी ये हमारे पास होती है सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपसे मेजर और माइनर एक्सिस पूछ ले तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। चलिए अब माय डियर अगला ऐसा दिखेगा इलिप्टिकल ट्रायंगल, आप देख रहे हो इलिप्स प्लॉट होता हुआ। अगर आप किसी भी स्लाइडर को फिक्स करते हो तो क्या होगा? तो माय डियर अगर आप फिक्स करते हो एक स्लाइडर को तो स्लाइडर यहां से कहीं नहीं जाएगा। अब अगर आप इस लिंक को घुमाओगे तो ये लिंक घूमेगा तो स्लाइडर भी जाएगा, स्लाइडर जाएगा तो इलिप्टिकल प्लेट भी जाएगी। तो जब ये स्लाइडर ऐसे घूमेगा तो प्लेट ऐसे और ऐसे आएगी। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर आपको SHM जनरेट करना हो तो हम यूज करेंगे स्कोच योक मैकेनिज्म। तो अगर आपको SHM प्रोड्यूस करना हो, अब अगर आप इस स्लाइडर को फिक्स करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, इस स्लाइडर को फिक्स करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, तो रहेंगे वो SHM ही, बस उनकी एक्सिस बदल जाएगी, रेस्ट इज गोइंग टू बी सेम। बढ़ रहे हैं आगे, ये है स्कोच योक मैकेनिज्म, आप देख सकते, ठीक है, दिस इज कोच योक मैकेनिज्म। अगर आप इन दोनों को जोड़ने वाली रोड को फिक्स कर दो तो माय डियर क्या होगा? अब आपने क्या किया, स्लाइडर के साथ जोड़ दिया एक शाफ्ट। जब आप शाफ्ट को घुमाओगे तो ये स्लाइडर भी घूमेगा, ये स्लाइडर घूमेगा, ये स्लाइडर घूमेगा तो इलिप्टिकल प्लेट घूमेगी, इलिप्टिकल प्लेट घूमेगी तो दूसरा स्लाइडर भी घूमेगा। तो अगर आप दूसरा शाफ्ट स्लाइडर के साथ जोड़ दो तो वो भी घूमेगा। तो यहां के रोटेशन से आप यहां पर रोटेशन प्रोड्यूस कर पा रहे हो, इसी को बोलते हैं रोटेशन टू रोटेशन ट्रांसफर हो रहा है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, इसको बोलते हैं कपलिंग। पर माय डियर ये कपलिंग जो है ये फ्लेंज कपलिंग नहीं है, क्योंकि फ्लेंज कपलिंग यूज होती है टू कोलिनियर शाफ्ट को जोड़ने में, ये यूनिवर्सल ज्वाइंट भी नहीं है क्योंकि वो यूज होता है दो एंगुलरली मिसअलाइंड शाफ्ट को जोड़ने में। ये है क्या, ये है ओल्डहैम कपलिंग जो यूज होती है दो लेटरली मिसअलाइंड शाफ्ट को जोड़ने में। तो माय डियर दिस इज सेट टू बी ओल्डहैम कपलिंग, और ये जो बीच में घूम रही है इसी को बोलते हैं ओल्डहैम कपलिंग। आप देख सकते हो ये एक्सिस ऑफ वन शाफ्ट है, ये एक्सिस ऑफ सेकंड शाफ्ट है। अगर इन दोनों के बीच का गैप डी है तो इसको ऑफसेट बोलते हैं, और क्योंकि यहां पर स्लाइडिंग हो रही है ओल्डहैम कपलिंग के अबाउट तो स्लाइडिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला है डी इंटू ओमेगा। तो मैंने आपको सारी चीजें ब्रीफ में बताई है, जो चीज मैं 20 घंटे में पढ़ाता हूँ वो केवल एक घंटे में बताई है। तो ऑब्वियसली बात है एक्सप्लेनेशन नहीं थी, सिर्फ रिवीजन था, तो इसको रिवीजन की तरह ही ले, ठीक है। हाँ भाई जाबिर, तो डू यू वॉन्ट टू लर्न हैंडपंप? अगर आप कहें तो मैं हैंडपंप अभी बता दू। यस ओके, तो माय डियर आप ये समझिए कि आपके पास ये एक क्रैंक कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन, ये मेरे पास ऐसे है, यही तो होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो अगर ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन होती है तो माय डियर इसमें जो ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर, ये सिलेंडर हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप जैसे ही सिलेंडर को हटाओगे, अब ये चेन है क्योंकि कोई भी लिंक फिक्स नहीं है, अब इसमें तीन लिंक रह गए, ठीक है, अब इसमें क्या रह गए, तीन लिंक। अब माय डियर अगर हम बात करते हैं तो ये कनेक्टिंग रोड किससे जुड़ी हुई है, टर्निंग पेयर के साथ, स्लाइडर से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके बाद में स्लाइडर को होलो करने जा रहा हूं। स्लाइडर को होलो करने का मतलब है अब मैं स्लाइडर को होलो कर दूंगा तो अब स्लाइडर मेरे को ऐसा दिखेगा। अब मैं इसको दोबारा से दिखा रहा हूं, डोंट वरी, जब मैं स्लाइडर को होलो कर दूंगा तो स्लाइडर मेरे को ऐसा दिखेगा, होलो है ना, अब इसके अंदर छेद हो गया। अब मैंने क्या किया, इसी स्लाइडर को फिक्स भी कर दिया क्योंकि एक लिंक को फिक्स भी करना था। अब आपको पता है कि यहां पर ऐसे थी हमारे पास कनेक्टिंग रोड, यहां पे थी क्रैंक, और स्लाइडर फिक्स है तो क्रैंक फिक्स नहीं हो सकते। अब यहां पर लिंक कितने हैं, 1 2 3, जबकि मैकेनिज्म के लिए कितने लगते हैं, 4। सर इन दिस क्विक सीरीज विल यू टेक एनी अदर सब्जेक्ट?
आमिर मैं लेने वाला हूँ टोम के अलावा मशीन डिजाइन, ठीक है, टोम मशीन डिजाइन और बस ये दो सब्जेक्ट, ठीक है। बट हाँ, आगे आने वाले समय में मैराथन होंगे जिसमें मैं सोम भी लूंगा, प्रोडक्शन भी लूंगा, टोम भी लूंगा, एमडी भी लूंगा। थोड़ा वेट करो, 15 दिसंबर के बाद में विल प्लान, इवन उससे पहले भी शुरू कर देंगे। तो माय डियर, अब अगर हम बात करते हैं तो लिंक है 3। तो माय डियर, अब ध्यान से देखना, ये जो कनेक्टिंग रोड है ये हवा में लगी हुई है, क्योंकि ये पहले फिक्स सॉलिड था, होल हो गया। तो माय डियर, ये जो कनेक्टिंग रोड है ये हवा में लगी हुई है, हवा में तो कोई लिंक जुड़ नहीं सकता। और सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म की डेफिनेशन ये बोलती है कि कनेक्टिंग रोड को स्लाइडर के साथ टर्निंग पेयर में जुड़ना चाहिए। जो डेफिनेशन है ना, इसको चेंज नहीं करता मैं, हम कभी भी इन्वर्जन बनाते डेफिनेशन चेंज नहीं होती। डेफिनेशन क्या है, कनेक्टिंग रोड स्लाइडर के साथ टर्निंग पेयर में जुड़ी है। तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर की बजाय बाहर टर्निंग पेयर में जोड़ देते हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान से देखो, ये मेरे पास था स्लाइडर जो कि मैंने फिक्स कर दिया, ये स्लाइडर ही था, ठीक है। इसके साथ कनेक्टिंग रोड को मैंने ऐसे टर्निंग पेयर में जोड़ दिया और ये एक क्रैंक के साथ जुड़ी हुई है। तो अब लिंक कितने हैं, ये एक फिक्स हो गया, ये दो और ये तीन। अब जो मैंने सिलेंडर हटाया था उसकी जगह मुझे एक लिंक जोड़ना है, तो उस लिंक की जगह मैं एक रोड को ले आया और इस रोड के साथ एक पिस्टन को ले आया। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको बोल रहा हूं स्लाइडर, तो इसको मैं नाम अलग देने के लिए इसको बोलूंगा प्लंजर, ठीक है, नाम अलग देने के लिए, और इसको बोलूंगा प्लंजर रोड। और ये दोनों वेल्डेड ज्वाइंट से जुड़े हैं, टर्निंग पेयर से नहीं। अब ये स्लाइडर था फिक्स, अब माय डियर जैसे ही आप इसके एक्सटेंशन को ऐसे घुमाओगे, तो क्योंकि ये यहां पर फिक्स नहीं है, जैसे ही आप इसको घुमाओगे ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, क्रैंक यहां आ जाएगी और ये आपकी कनेक्टिंग रोड यहां आ जाएगी, पिस्टन ये प्लंजर ऊपर पहुंच जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। जहां भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर टेस्ट सीरीज डीमोटिवेट कर रहा है पाथ, डीमोटिवेट नहीं होना, आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना। टेस्ट सीरीज में एक बात ध्यान रखें कि आपके अगर 20 नंबर आ रहे हैं आज तो कल 25 आने चाहिए, बस इतना ही रखो, क्योंकि ये नवंबर चल रहा है। अगर आप आज ही 100 नंबर ले आओगे तो फिर पेपर फरवरी में क्यों है, फरवरी में इसलिए क्योंकि टाइम चाहिए आप, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, सही है। मेरे ख्याल से जाबिर आप जिस पॉइंट पे अटक रहे थे वो ये था कि डेफिनेशन कि कनेक्टिंग रोड स्लाइडर के साथ टर्निंग पेयर से जुड़ी होनी चाहिए। क्या मैं सही हूं? अब मैं पहचानने लग गया हूं आपको काफी हद तक, जायज डाउट है, इज इट क्लियर। चलिए तो गाइस, सेशन कंप्लीट हो गया है। जाने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे एक दिन बाद, एक दिन बाद मतलब नहीं, कल ही मिलेंगे, ठीक है, कल ही मिलेंगे। तो कल मैं आपको टॉप 50 टॉपिक बताऊंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, टॉप 50 टॉपिक्स, ये वो 50 टॉपिक हैं, ये वो 50 टॉपिक है जो शायद आपको 50 से ऊपर नंबर दिलवा देंगे। तो इसलिए ये वो टॉपिक है जो आपको करके जाने ही है। मान लो आपने सोच के रखा हुआ है कि मैं फ्लूइड मैकेनिक छोड़ के जाने वाला हूं, तो जो मैं 3-4 टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक से बताऊंगा वो जरूर कर जाना, क्योंकि हो सकता है आधा फ्लूइड मैकेनिक का वेटेज उन्हीं 4 टॉपिक से हो। तो ऐसे केस में आप वो 2-4 नंबर ले जाओगे सिर्फ 2-3 घंटे की पढ़ाई के साथ। तो इसलिए कल का सेशन जनरिक है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो कल मिस मत करिएगा। टाइमिंग यही रहेगा और मैं शेयर करूंगा वो सेशन, टॉप 50 टॉपिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट एग्जामिनेशन के लिए मेजरली, ठीक है। कोई बात नहीं आमिर, आप बस ये कोशिश करिए जिस पेपर में आपकी तैयारी हो, छुट्टी हो, उसमें कोशिश करिए 1-2 घंटा आप थोड़ा सा रिवीजन के लिए दे दीजिए, ज्यादा नहीं। क्लियर है? तो गाइस यहां पर सेशन को एंड करते हैं, समय हो गया है, ठीक है। चलिए कल ही है नवीन, कल ही है वो क्लास, ठीक है। और वीरवार को हम, थर्सडे को हम इसका दूसरा सेशन देखेंगे, ठीक है। ऑन थर्सडे वी विल सी सेकंड सेशन ऑफ टॉम एज वेल। चलिए तो गाइस, गुड बाय फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग और मिलेंगे कल फिर से। गुड बाय, गुड नाइट।